हेलो दोस्तों, वेलकम और ग्रीन हाउस नर्सरी। दोस्तों आज हम आप लोगों को बीच में शेयर करने जा रहे हैं नर्सरी के कुछ सीक्रेट टिप्स, वो हम आपके बीच में शेयर करने जा रहे हैं। क्या सीक्रेट टिप्स हैं हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको बताते हैं हमारे ये नर्सरी में जो भी प्लांट हम लगाते हैं वो इतना अच्छे से ग्रो कैसे कर जाते हैं, गमले पे जब सेट करते हैं तो ग्रो कैसे कर जाते हैं, प्लस वो मरते क्यों नहीं है। आप लोग जब अपने गार्डन पर छत पे लगाते हो तो काफ़ी सारे प्लांट मर जाते हैं, लेकिन हमारे प्लांट क्यों नहीं मरता है, ये सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताएंगे। तो हम आपको पीछे के कैमरे से आपको दिखाते समझाते और बताते, आप वीडियो में पूरी बने रहिए, ठीक है। और आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्लांट की ज़रूरत है आप हमारी ग्रीन हाउस से संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, हमने ढेर सारे प्लांट लगा रखे गमले पे, ठीक है। सब आप देख सकते हैं गमले पे, सब गमले पे सेट कर रखे ढेर सारे, जैसे मैंगो की हो गया, ये सब ऑरेंज की हो गया, ये सब जैक फ्रूट की प्लांट हो गया, उधर मौसम भी हो गया, इधर भी बड़े बड़े ऑरेंज मौसम भी, मैंगो अमरूद सभी की वैरायटी है। और ये सब वैरायटी, ये सब हम अभी लगा रहा है, मतलब एक आध हफ्ते हो रहा है, उससे भी ज़्यादा हो गया, एक महीने भी हो गया कुछ प्लांट, ये सब हम सेट कर रहे हैं। तो ये सब प्लांट, कोई भी प्लांट आप लोग देख सकते, कोई भी प्लांट नहीं मर रहा है, उसका पत्ता भी बिल्कुल सूख भी नहीं रहा, किसी भी प्लांट सब हेल्दी अच्छे से है। हम आपको वही दिखाते हैं, देखिए कोई भी प्लांट हम मरने के कोई भी चांस नहीं। ये समझ के फ्लावर आ रहा है, हाँ आप सारे के सारे प्लांट देख सकते हैं, कोई भी प्लांट नहीं मर रहा है, सब की सब हेल्दी खड़ा है। ये सब एक डेढ़ महीने हो गया, ये सब हमने सेटिंग करा, देखिए अब ये सब फल सेट हो रहा है, ये सब फल सेट हो रहे, फ्लावर सेट हो रहा है, देखिए कितना अच्छे से फल फूल आ रहा है, ये सब आप लोग देख सकते। तो ये देखिए हम इधर जैसे व्हाइट डायमंड लगा रखा है, ये सब सेट हो रहा है, ये मैंगो लगा रखा है, जैसे कटिमन वगैरह ये सब हमने लगा रखा है, लेकिन कोई भी प्लांट हम नहीं मर रहा है, प्लांट सब की सब हेल्दी है, और भी फ्लावर भी लगा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है हमारे प्लांट मरते नहीं, और आप लोग गार्डन पर छत पे लगाते हो तो 10-15 दिन बाद वो मर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? हम आपको उसी के बारे में जानकारी ज़रूर देंगे। हम हमेशा आप लोगों को हम बताते हैं वीडियो के माध्यम से, जो आप लोग जब ऑनलाइन प्लांट मंगाते हो, जब दूर से प्लांट मंगाते हो, चाहे नर्सरी से भी प्लांट हैंड टू हैंड डेली की बाय डेली लेके आते हो, तो आप लोगों को एक काम ज़रूर करना है। वो काम क्या है वो हम बार बार आप लोगों को, हमारे खास करके हमारे जो भी कस्टमर है हम उनको बताते रहते हैं, जो वो काम क्या है कि इतने दूर से आप इतना पैसा खर्चा करके पौधा मंगा रहे हो तो उसको बचाना ज़रूरी है, हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, दूर से मंगाते हो, मंगा के उस पर खाद वगैरह ढेर सारे डाल देते हो, जो भी कि ताकि आपके प्लांट ना मरे, अच्छा से ग्रो कर जाए, ये सब सोच के आप लोग लगाते हो। लेकिन मैं अपने जो कस्टमर जो भी है हमारे से गिना उससे पौधा मंगाते, उनको मैं ये चीज़ नहीं बताता हूँ, मैं उनको ये कहता हूँ आप जब पौधे हमारे से मंगा रहे हो तो उस पौधे को आप एक हफ्ते 7-5 दिन बाद आप तक पहुँच जाते तो फिर आप उस पौधा को पैकिंग अनबॉक्सिंग करके आप उसको छाँव में रख लीजिए 10-5-4 दिन, हाँ ऐसे छाँव में आप उस पौधे को रख लीजिए। फिर छाँव में रखने के बाद 5-7 दिन बाद आप उसको ऐसे गमले पे सेट कर दीजिए, गमले पे लगवा दीजिए। ये हम बार बार कहते हो अपने कस्टमर को, क्योंकि उसमें से क्या, ये करने से क्या होता है, वो जो दूर से पौधा जाते हैं उसका जो कमजोरियाँ होता है वो कमजोरियाँ हट जाते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे वो कमजोरियाँ हट जाते हैं, इससे क्या होता है पौधों को मरने की चांस बिल्कुल कम होते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, तुरंत पौधा जब आपकी डिलीवरी हो जाते तो आप पौधों को अनबॉक्सिंग करके तुरंत आप ऐसे गमले पे लगवा देते हो, चाहे कहीं भी हो आप तुरंत उसको लगवा देते हो। तो फिर क्या होते, एक तो पौधा कमज़ोर होते होके जाते आपके पास, दूसरा वो सब पौधे लगने के बाद वहाँ न्यू मिट्टी होता है तो उसमें सेटिंग होने में उनको वेदर के थोड़ा प्रॉब्लम आ सकते, फिर वो फंगीसाइड वगैरह ये बीमार वगैरह लग के वो मर जाते, सूखने चालू हो जाते, तो यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख सकते हैं हम जहाँ ये सब पौधा खड़ा कर रखे हैं, ये एकदम यहाँ ज़्यादा धूप नहीं है, यहाँ एक आध घंटे धूप लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूरी पेड़ लगा हुआ, बड़े बड़े पेड़ लगा हुआ, पेड़ के नीचे सब हमने सेटिंग कर रखी है, सब बड़े बड़े पेड़ है, पेड़ के नीचे ये सब हम सेटिंग कर रखा है ताकि ये छाँव में है
तो ये सब मरने के चांस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि छांव में रहेगा तो ये तो कमजोरी होते हैं गमले पे लगने के बाद, उसमें जड़ निकलने में टाइम लगता है, तो जब तक जड़ ना निकले सही तरीके से, मिट्टी को ना पकड़ ले पौधा, तब तक वो पौधा रिस्क में होता है। तो इसलिए आप उसको ऐसी नई पौधा लेके पहले तो आप उनका अनबॉक्सिंग करके 2-5 दिन तक आप ऐसी जगह पे छांव में रख दीजिए, फिर 2-5 दिन बाद आप उसको ऐसे गमले पे लगवा दीजिए। गमले पे लगा के उसको 10-15 दिन 1 महीने तक आप ऐसे छांव में रख दीजिए, फिर वो मिट्टी के साथ जड़ धीरे धीरे पकड़ जाएगा। फिर आप उसको अपने टेरिस गार्डन पे हो, आप अपने फार्म हाउस में जहाँ भी लगाना चाहते हो धूप में, वहीं लगाया करें, ताकि वो पौधा रिस्क कम हो जाते, रिस्क नहीं होता। ठीक है, ये जैसा हमने लगा रखा ये 2 दिन पहले का है, आप देख सकते हो मिट्टी कच्चा है, 2 दिन पहले है, पूरी छाव है यहाँ, आप देख सकते हो पूरी छाव है, ये बड़े पेड़ के नीचे ये सब हमने लगा रखा है, मतलब पूरी तरह के आप देख सकते हो छाव में लगा रखा है। तो ये सब पौधा रिस्क कम होगा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं मरेगा। अब मरने का चांस होता तो अब तक कोई ना कोई मर भी जाता, ठीक है, अब ये मरने का बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, ये सब देखिए पूरी तरह के छाव है, ये सब कहीं धूप बिल्कुल भी धूप नहीं है। अब ये सब यहाँ सेट हो जाएगा, यहाँ सब सेट हो जाएगा। देखिए हम फ्लावर के साथ पौधा लगाते, आप लोग तो कहते हो फ्लावर वाला पौधा लगाना रिक्स होते हैं गमले पे, देखिए हमने फ्लावर के साथ पौधा लगा रखा है, फिर भी ये रिक्स बिल्कुल नहीं है, इसमें सही फल फूल देगी, इसमें से सब फल फूल आ जाएगा। हाँ, ये चाहे फ्लावर के साथ है ना है, ठीक है, तो आप लोग ये काम भूल के भी नहीं करना है, आपको जो पौधा मंगा के तुरंत गमले पे सेट करना है, ये काम आप भूल के भी ना करें, बिल्कुल ना करें, करने से आपके पौधा रिक्स में आ जाएगा। देखिए हमने ये 15 दिन के करीब हो रहा है, 15 दिन के अंदर इसमें से हमने ये सब डाली कट कर रहा है, ये देख सकते हैं। ये हम क्यों कट करें, ये हम इसलिए कट करें, हम इसको मल्टी ब्रांचेज बनाएंगे। तो कैसे बने हम आपको दिखाते हैं, यहाँ एक डाली कट हुआ ना, कट हुआ डाली कट किया हो, ये देखिए ये 3 ब्रांचेस 4 ब्रांचेस निकल गया, कट हो गया, ये बीच में से पहले से कट हुआ था। ठीक है, इधर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए 4 ब्रांचेस कट हुआ। तो ये सब हम अपने हिसाब से पौधों को हम कैसे ग्रो करें, कैसे राउंड शेप पे लाए, कितना ब्रांचेस निकले, ये सब हम अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, सब हम चाहे तो इसमें 4-5 ब्रांचेस लाएंगे, हम चाहे तो इसमें 2 ब्रांचेस लाएंगे, सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यही हम आप लोगों के बीच में शेयर करना था। तो दोस्तों बस वीडियो यही ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करें, आप लोगों को मन में किसी भी तरह के सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोगों को किसी भी तरह के फ्रूट प्लांट की रिक्वायरमेंट है, चाहे होलसेल में चाहे रिटेल में, आप हमारे ग्रीन हाउस में ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।